हेलो दोस्तों, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं द नवलगढ़ स्टेशन। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है जयपुर से सीकर के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो की फरमाइश की है मामराज जांगिड ने। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिलहाल जयपुर से सीकर के बीच कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, फिलहाल जयपुर से सीकर के बीच 4 ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिनमें 2 मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन और 2 डेमू पैसेंजर टाइप की ट्रेनें चल रही हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इन ट्रेनों का जयपुर जंक्शन पर एवं सीकर जंक्शन पर टाइम टेबल क्या रहता है। तो दोस्तों, इनमें जो हमारी पहली ट्रेन है वो है 79603 जयपुर सीकर डेमू ट्रेन। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन रेलवे ने जयपुर से सीकर के बीच पहली ट्रेन के संचालन के समय किया था और यह ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलने वाली डेमू टाइप की पैसेंजर ट्रेन है, जो रविवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से सुबह में 10:30 पर रवाना होकर डहर का बालाजी, निंदड़ बेनाड, भट्टों की गली, चोमू सामोद, लोहरवाड़ा, गोविंदगढ़, मलिकपुर, छोटा गुड्डा स्टेशनों पर ठहरती हुई 11:41 पर रिंगस जंक्शन पर पहुँचती है और 5 मिनट ठहरने के बाद 11:46 पर यहाँ से रवाना होकर सोनथलिया, बावड़ी, ठिकरिया, पलसाना, रानोली, सिसु, गोरिया स्टेशनों पर ठहरती हुई दोपहर में 1:10 पर सीकर जंक्शन पर पहुँचती है और यह ट्रेन जयपुर से सीकर तक की टोटल डिस्टेंस 110 किलोमीटर को लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 2:40 में तय करती है और इस ट्रेन का 13 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 74861 जयपुर चूरू डेमू पैसेंजर। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन 2 नवंबर 2019 से रेलवे ने जयपुर से चूरू के बीच शुरू किया और यह ट्रेन रोजाना चलने वाली डेमू टाइप की पैसेंजर ट्रेन है, जो रोजाना जयपुर जंक्शन से शाम में 6:45 पर रवाना होकर रिंगस जंक्शन रात में 8:07 पर पहुँचती है और 5 मिनट ठहरने के बाद 8:12 पर यहाँ से रवाना होकर रात में 9:30 पर सीकर जंक्शन पर पहुँचती है। और दोस्तों, यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन रात 11:45 पर चूरू जंक्शन पर पहुँचती है। और दोस्तों, यह ट्रेन जयपुर से सीकर की टोटल डिस्टेंस 110 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 2:45 में तय करती है और इस ट्रेन का भी 13 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 14022 जयपुर से दिल्ली सरायरोला के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन रेलवे ने 6 नवंबर से जयपुर से दिल्ली के बीच शुरू किया था और दोस्तों, यह सप्ताह में 3 दिन चलने वाली त्रिसाप्ताहिक मेल टाइप की एक्सप्रेस ट्रेन है, जो बुधवार, शुक्रवार व रविवार को जयपुर जंक्शन से शाम में 7:10 पर रवाना होकर रिंगस जंक्शन रात में 8:40 पर पहुँचती है और रिंगस जंक्शन पर 5 मिनट ठहरने के बाद 8:45 पर रिंगस जंक्शन से रवाना होकर सीकर जंक्शन रात में 9:55 पर पहुंचती है और सीकर जंक्शन से रात में 10:15 पर चलकर नवलगढ़, झुंझुनू, लोहारू, रेवाड़ी के रास्ते दिल्ली सरायरोला पहुंचती है अगले दिन सुबह में 5:40 पर और यह ट्रेन जयपुर से सीकर तक की टोटल डिस्टेंस 110 किलोमीटर को लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 2:45 में तय करती है। और दोस्तों, इस ट्रेन का 7 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। दोस्तों, हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 19707 अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जयपुर से श्री गंगानगर के बीच गेज परिवर्तन के बाद पहली एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में किया था और यह ट्रेन रोजाना बांद्रा टर्मिनस से श्री गंगानगर के बीच चलने वाली मेल व एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, जो जयपुर जंक्शन से रोजाना रात में 8:30 पर रवाना होकर रिंगस जंक्शन पर रात में 9:37 पर पहुंचती है और 3 मिनट ठहरने के बाद 9:40 पर यहां से रवाना होकर रात में 11:05 पर सीकर जंक्शन पर पहुंचती है और यहां से रवाना होकर चूरू, सादुलपुर, भादरा, नोहर, हनुमानगढ़ के रास्ते सुबह में 7:30 पर श्री गंगानगर जंक्शन पर पहुँचती है। और दोस्तों, ये ट्रेन जयपुर से सीकर तक की टोटल डिस्टेंस 110 किलोमीटर को 43 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 2:35 में तय करती है और इस ट्रेन का 4 स्टेशनों पर ठहराव रहता है।
तो दोस्तों यह थी जयपुर से सीकर के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी। और अगर दोस्तों इन सभी ट्रेनों की पूरी जानकारी के वीडियो आपको चाहिए तो आई बटन पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद है तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि चैनल पे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।